कुछ मिलेगा, किसी ने तो पहले ही खा लिया है। लेकिन मेरे को ये खाने के लिए चलेगा रे, मस्त पेट भर गया रे। पर मेरा पेट अभी भी खाली है, इसमें कुछ है। ये देखो क्या उनका है, रहा है। इनका तो यहाँ ध्यान ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसे मैं अकेले ही खाऊंगा। इसने क्या उठाया रे, ये तो मस्त गया। यही वक्त है, कबलू खा ले वो छुपाया हुआ खाना। बड़ा ही टेस्टी है। हो गया, वंस अगेन गुड नाइट। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। उठ जा, सुबह हो गई। अरे टपलू, तू अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया रे? जरा मैं भी तो देखूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये तो अब उनसे बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल सही, मैं बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बीनू, आइडिया। खाना मिल गया। तो देख तक क्या खाना उठा ले रहे। आज कितनी शांति है, नो कॉकरोच। ए, मेरा खाना चुराया, नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, कॉकरोच का साइज कैसे बढ़ गया? मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो आंखें फोड़ ले। ये कैसे हो गया? मैं पूरा खाना चट कर जाऊंगा, मुझे और खाना चाहिए। मैं ये मस्त खाऊंगा रे। ये तंगड़ी मेरी है, मेरा खाना तो हो गया ना। शट अप। अपुन तो आज ये चाट चाट के साफ कर डालेंगे। क्या बोला? ये अपुन का खाना है बीड़ू। तुम्हारा कुछ नहीं, सब मेरा है। ये तो भूख लगे रे बाबा। भूख लगी है, चलो खाना खाने। जरा देखो तो, इतना सारा खाना, मजा आएगा। हाँ, ये क्या, खाने की बर्बादी, नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन ये तो मेरे हथियार से काफी बड़ा है। चलाओगे, निकल ले यहाँ से। ये क्या, अपुन बेड के नीचे कैसे आ गया? क्योंकि मैं बेड के ऊपर था। बेड के नहीं रहे, तू मेरे ऊपर था रे। मैं तो बौखला गया रे। संभल के उतरना टपलू, आ गया। चिल्ला मत बिल्ले। ओप्स, सॉरी। आज ये खिलाड़ी तेरी बगल में सोएगा। इट्स ऑल राइट। आज नाश्ते में जैम एंड ब्रेड। मुझे दो, ले लो। क्या है इस फ्रिज में खाने को? लगता है पूरा फ्रिज खाली करना पड़ेगा। शाबाश टपलू, चल टपलू, खा ले। मैं तो इसको मस्त फ्राई करके खाऊंगा रे। रुक जाओ, आज खाना सिर्फ मैं खाऊंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज ये पूरा खाना सिर्फ मैं खाऊंगा और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। उनकी तो बैंड बज गई। बिल्ले के घर का सारा खाना खत्म हो गया। अब बॉब के घर की बारी है। बॉब, कौन आया मेरे किचन के द्वारे? आया हूँ तो कुछ खा के जाऊंगा और फ्रिज भी तोड़ूंगा। खाने के बाद कुछ स्वीट डिश भी चाहिए। हाथ से आगे मत बढ़ो। ठाकी टिक्की, ठाकी टिक्की। आओ। ये क्या? कितना आराम है यहाँ। टपलू को छोटा करने का कोई आइडिया जल्दी सोचना पड़ेगा। मैं तो इस एप्पल के साथ बॉल डांस करूंगा रे। ये क्या? ये तो इंग्लिश में लिखा है, मेरी समझ के बाहर है रे। ये क्या बीड़ू? ये तो हाइट बढ़ाने वाले खाने का पैकेट है। यही खा के टपलू साइज में बड़ा हुए ले। काम की चीज है। जल्दी से इसके पास पहुंच जा। आ गया, खाना आ गया, सीधे मुंह में डाल। मुझे और चाहिए। ए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे हंग्री मत कर, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। पता नहीं ये और क्या क्या करेगा। सुन मामू, ए, मार मत मामू, ये देख। ए, मतलब ये खाके जो बड़ा और तगड़ा हुआ है। भाग टपलू भाग,
माल छुपा दे, तेरे पीछे पुलिस लगी है। छिपू तो कहाँ छिपू, पेड़ बन जाता हूँ। यार बिल्ले, ये बड़े वाले कॉकरोच को देखा क्या है? इसने पूरे शहर की बैंड बजा डाली है। जल्दी बता ये किधर है, बता बोल। अगर मेरे घर में ये मिला तो मुझे जेल हो जाएगी क्या? ए, मुझे नहीं पता। अच्छा तो ये पैर के निशान किसके है बिल्ले? कौन से? वो वाले, वो तो ऐसे घास काटते काटते बन गए। तेरे को मालूम है वो इधर ही किधर है? ये क्या, ये कौन सा पेड़ है जिसको पैर है? बड़ा ही कमाल का पेड़ है। हाँ, बाल बाल बच गया। रुक जाओ हवलदार साहब, यही छोड़ो, ये देखो। ये क्या, मिल गया। चल पुलिस स्टेशन। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हे टपलू, इसी को खाके तुम्हारा साइज बढ़ गया ना? बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, अब ये खा लो, तुम्हारा साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, खा लेता हूँ। टपलू आ गया, बाहर आ गया। अब तेरे को नहीं छोड़ेगा रे, वो डाल बीड़ू। बहुत सताया उन दोनों को, अब तो ये इसकी बैंड बजा गई है। देखो देखो मेरे सर में कितनी ताकत है। ए, कौन बीच में आया? कितना प्यारा और स्वीट बच्चा, इसे प्यार से समझाना चाहिए। ए, बच्चे जरा मेरी बात सुनो। बोलो अंकल। रास्ते के बीचों बीच बैठना ठीक नहीं। बाय। अंकल मैं भी आपके साथ आऊंगा। घर आ गया। अभी तो खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं। ए, ए, बच्चे ऐसा नहीं करते, जाओ अपने घर जाओ। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अंकल मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ। ये तो गले पड़ रहा है, चलो सीधे घर जाओ। ऐसा मत बोलो ना अंकल, मुझे सचमुच घर का पता याद नहीं। रुक जाओ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे अंकल आपका घर बहुत अच्छा है, खर्चा किया है। तुम्हारा घर भी अच्छा है। रुक जाओ, तुम्हें वही भेजना है। फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब मैं क्या करूँ इस बांगड़ू का। ए बांगड़ू तुम यही बैठना, मैं अभी आया। ए, ये देखो बांगड़ू, अंकल तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आए हैं। तो क्या? ये रहा रोबोट और जादूगर। जादूगर रोबोट को चिढ़ा रहा है, रोबोट भी चिढ़ रहा है, और अब चिढ़ गया है दोनों के बीच में घमासान। अरे मुझे तो रोबोट कहाँ गया? ये रोबोट इतना फालतू है, इसका कुछ अच्छा बनना चाहिए। बन गया। वाह, ये कैसा लगा अंकल? मुझे क्यूब सॉल्व करना आता है। ये क्या? ऐसे किसी पर हंसा नहीं करते। ये तो लैपटॉप से ही खेलता है। चलो अपनी नाक तो बच गई। क्या करूं इसका, पता नहीं ये फोन क्यों नहीं लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, मिल गया परफेक्ट फॉर्मूला। अरे कौन हंसा मेरे पे? ओह ये तो कॉकरोच है। लेकिन इनकी बैंड कैसी बजाई जाए? अभी ढूंढता हूँ फॉर्मूला मेरे परफेक्ट कंप्यूटर पे। मिल गया हथियार, मिल गया, अब बजेगी इनकी बैंड। हाँ चलो ये भी जुड़ गया, वेरी गुड। भीड़ू कुछ करना पड़ेगा। भीड़ू छोटे मामू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, निकल लेता हूँ। चल भीड़ू सबसे पहले पेट में थोड़ा खाना ढकेल लूं। भीड़ू लेकिन ये बाटली आगे क्यों नहीं जा रही थी? लगता है सेकंड गियर डालना पड़ेगा। मामू आगे बढ़। ये तो जगह पर से हिल ही नहीं रही है, सिर्फ जगह पे हिल रही है। ये क्या? क्या बीड़ू, भाग जाने का प्लान है क्या? हाँ किधर भी जाओ, तेरे को क्या? क्या बोलता है छोटा मामू? क्या बोलू मैं? हाँ कुछ बोल मत मामू, छोड़ दे। अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो। अब बोलो, छोड़ दे छोटे मामू, छोड़ दे मुझको। मेरा नाम मामू नहीं बांगड़ू है। तुम्हें घूमने का बहुत शौक है ना, ये लो अब घूमो जी भर के। ये तो बैंड बजाएगा। राउंड एंड राउंड बैंड बजने लगी। अब ये कभी घूमने नहीं जाएगा। अब उसको छोड़ दे मामू। हाँ अब बस हो गया, गोल गोल रानी
अब बाहर आ जाओ जानी। कैसा लगा? सॉलिड मामू। हिम्मत है तो उन दोनों की भी बैंड बजाओ। क्या बात कर रहे है? ओके चलो भाई अब तुम चलो, हमेशा बहुत एंग्री रहते हो ना, चलो। अरे ये कहना कर डाल दिया, अब मैं क्या करूं? अरे तू कुछ मत कर, जो करना है मैं करूंगा। हाँ लगता है ट्रीटमेंट हो गई। चलो भाई एंग्री मैन बाहर आ जाओ, अब कैसा लग रहा है? हाँ अनफिट है बॉस। तो चलो अब डिब्बे में फिट हो जाओ। चलो मोटू अब मैं तुमको भी एकदम मस्त बना देता हूँ। बैंड बजी मामू, ये क्या हो गया? अरे इसकी भी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चलो मजा आया ना? उठा ले रो बाबा, शायद इस बार लग जाए। लग गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जल्दी आइए, बांगड़ू मेरे पास है। हाँ चलो, बांगड़ू से पीछा छूटा। ए बांगड़ू गुड न्यूज। ए ये क्या? हाँ ये तो डॉल है, इसे वायर किसने जोड़े? ए ये क्या, यहाँ तो सारी चीजों को इस बांगड़ू ने वायर से जोड़ दिया। लगता है इंजीनियर बनेगा। हाँ छोड़ूंगा लेकिन निशाना लगाने के बाद। बच गए बीड़ू। ए ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं अंकल, टारगेट थोड़ा मिस हो गया, रेंज कम हो गई, लेकिन इस बार। ए बांगड़ू ऐसे किसी पर गोली नहीं चलाया करते। सॉरी अंकल। सॉरी नहीं, फेंक दो ये हथियार। फेंकूंगा नहीं, बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट। ए कॉकरोचो तुम्हें छुड़ाता हूँ, फिक्र मत करना, मैं इसे समझाता हूँ। बांगड़ू अगली बार। अब कौन आया? अंकल तो गए, अब तुम लोग भी जाओगे। रुक जाओ, लगता है बांगड़ू को लेने पुलिस आ गई होगी। पुलिस वाले हैं हम, कोई शक नहीं। पुलिस वाले हैं हम, दिखा देंगे अपना दम। ए, लिसन। क्या है? अरे छोड़ दे अपन को। मैंने क्या किया? मैं तो चुप ही हूँ। हेलो सर, बांगड़ू हमें मिल गया है। ओवर एंड आउट, तेरे को मेरा ग्रैंड सल्यूट। बाय अंकल, थैंक यू। चलो बला टली। ये क्या? नहीं छोड़ूंगा। बांगड़ू की बंदूक कब काम आएगी? आ जाओ मेरे सामने। बिल्ले ने गोली क्या चला दे, बिल्ले के साथ पूरी की पूरी दुनिया उसी में चल दे। अरे कटिट कटिट बैकअप। क्या बात है, क्या प्रोग्राम है? कौन आ गया? लगता है ओली ही होगी। हाय मेरी ओली। हाय मेरी ओली, चलो पिकनिक चलते हैं। पिकनिक? मैं आ रहा हूँ। इतने बड़े बैग्स? ना ये तो सिर्फ कवर्स है, बैग तो काफी छोटे हैं। पिकनिक की जगह बहुत सुंदर है ओली। हाँ मुझे पता है, शायद वहाँ एक नदी होगी, एफिल टावर, एक बीच और बहुत कुछ। शांति रखो ओली। ओके ओली। पता नहीं ये पिकनिक पॉइंट कितना दूर है। हम आ गए ओगी। ये पिकनिक की जगह है? हाँ कितनी प्यारी और फ्रेश जगह है ना ओगी। आ जाओ। हाँ सही कहा। मैं तो गया काम से। कॉकरोच गए। जिंदाबाद। बदबू कैसी है? इसको तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खाएगा रे। चल पप्लू इस पे हल्ला बोल दे। मेरे बच्चे को काटा, निकल यहाँ से, मच्छर कहीं के। जल्दी आओ ओगी। अभी आया ओली। ये देखो मेरा प्यारा घर ओगी। पहले मुझे देखो ओली। ये है हमारा टॉयलेट ओगी। ये टॉयलेट है या मुर्गे का बेडरूम? और ये है हमारा बेडरूम, प्यारा सा। मुझे इस गाय का दूध निकालना है, अब ओली ने बोला है करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? हाथों का इस्तेमाल करो ओगी। ओके ओली करता हूँ। इस बार तो मैं दूध निकाल के ही रहूंगा। वाह क्या बात है,
बिल्ले तेरी मेहनत भी वेस्ट और दूध भी वेस्ट। ए, ये दूध बाल्टी में क्यों नहीं गिर रहा? गिर गया। I'm the best. अल्लाह बोल पपलू, बोल दिया हम जा। लो, चल मेरे गैया। टिक टिक टिक। आ जाओ बिल्लो। चलो बिल्ले की बैंड बजाते हैं। लेकिन कैसे? ये देख। खा लो, खा लो। मुझे दो, मैं खिलाता हूँ। आओ, आओ। वो चारा क्या खिला रहा है मामू? आपू तेरे को खिलाता है, ये ले। मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अली, मुझे बचाओ। बतख, मेरा पीछा छोड़ दे। बच गया। आजा, आजा मुझे पकड़ ले। शायद तू भूल गई। मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं। इतनी ऊपर से गिरा, वो भी प्रेम से। चल जा। कहाँ आके फंस गया? चलो जाकर कुछ लकड़ियां ही काटते हैं। ए, कुल्हाड़ी, निकल जा, निकल जा। बाल बाल बच गया, पर मेरे बाल नहीं बच पाए। इस बार एक बार में ही दो टुकड़े। गई कुल्हाड़ी। कोई बात नहीं, कुल्हाड़ी गई तो गई, हारी है ना। हारी तुझे पड़ेगी भारी। कैसे हो मेरे प्यारे ओगी? ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत मार पड़ रही है। आली मुझे बचाओ, आली मुझे बचाओ, आली बचाओ, आली मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट ओगी। गुड नाइट। सो जाओ ओगी। अब क्या है? ये आवाजें यहाँ रात को भी बंद नहीं होती क्या? ए, चुप हो जाओ सब लोग, मुझे सोने दो मुझे, प्लीज। चल पप्पू, खाने पे हल्ला बोल। अरे लेकिन ये तो सिर्फ बैंगन है और मुझे वेज नहीं रे, मेरा कुत्ता नॉन वेज नहीं खाना रे। रात ढल गई, सुबह हो गई, अब तो जाग जाओगे मामू। जाग गया, पर ये ओली कहाँ है? हाय ओगी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ओली। इसे देखो ओगी। कितना प्यारा है ये। इसने मुझे काटा, मुझे घर जाना है ओली, मुझे घर जाना है। ओ, तुम रोते वक्त कितने क्यूट लगते हो ओगी। ये आजर, मुझे आजर, आजर बाबा। मस्त तेल में फ्राई करके खाएगा। शांत हो जाओ। इसको लेके जल्दी निकल ले भीलू। मैं बचाऊंगा उसे। पकड़ो, छोड़ दो उसको। छोड़ना होता तो पकड़ दे गाय को। निकल ले भीलू। कॉकरोच गाय जिंदा मान। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं। मैं लड़खड़ा रहा हूँ, पर ये तो गया। डरना मत पिगी, मैं हूं ना। तू है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ए पिगी, तू चला जा यहां से। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? पर मेरा ओगी वो कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, बस मेरी हवा निकल गई है। तूने मेरे बच्चे को बचाया, थैंक यू। वाओ मेरे ओगी, तुम तो सच में हीरो हो। आई एम प्राउड ऑफ यू ओगी। कितना मजा आ रहा है ना ओगी? क्या खाक मजा आ रहा है। पिकनिक हम दोनों की है, तो पूरे फार्म हाउस की। ये क्या? अचानक ये नाव कहाँ से आ गए? सुबह सुबह इस नाव को लेके कौन जा रहा है? कौन चला रहा है इसको? कहीं कोई भूत तो नहीं? लगता तो नहीं? देखा, कहा था ना। ओह,
क्या सुहाना दिन है, आज तो मैं मजे करूंगी। क्या बात है, ओली भी सनबाथ ले रही है। ये क्या, कॉकरोच भी आ गए। अभी ठीक करता हूँ इन कॉकरोचों को। आज तो इनकी खैर नहीं। बौखला गया रे। काम से तो गए, अब यहाँ से भी निकल जाओ। कॉकरोचों की चिट्ठी हो गई। हाय मेरी ओली। हाय प्यारे ओगी। क्या बात है, लगता है सफर बड़ा मजेदार होगा। फिर उस पुल के पास भौरा आया। वाओ, भौरा तो नहीं, मक्खी चलेगा? नहीं चलेगा। वाओ, फिर भी मैं वापस आऊंगा। जूस पियोगी? नहीं, जाओ। वाओ, एक बार फिर से फूंक मारो ना। वाओ, सुपर, वेरी नाइस। हाय, हेलो, अपने चतुर इडियट वाला नहीं, उड़ने वाला। हाँ, चले जाओ यहाँ से। अरे अपुन कहे को जाएगा, अपुन नहीं जाएगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ओके, मैं नीचे जा रही हूँ। हाँ ओके। ये क्या, आगे का ब्रिज बंद है? आओ, लगता है कोई आ गया। आओ रुक जाओ, आओ हिचका। ए, ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? चाय तैयार है, ओगी को जाके देती हूँ। ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आगे रास्ता बंद, ब्रेक लगाना होगा। वेरी गुड, अब उस तरफ जाओ। कैसे जाऊं? हे, आओ तुम रुको, मैं ही नहीं चाहता हूँ, आ जाओ। अच्छा, आगे बढ़ूं? ओके। धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, वरना टाकटिक हो जाएंगे। हो गए। आओ, मैं पानी छोड़ता हूँ। तो टाकटिक होने का इंतजार क्यों कर रहा था? सुना था इंतजार का फल मीठा होता है। ए, रास्ता खुल गया, हम आगे बढ़ गए। आगे ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू। चाय तो ठीक है, पर तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस टकरा गई। पता नहीं कैसे टकरा गई। चलो भीड़ लो, हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो भीड़ लो, हाथ चलाओ। चला रहा बाबा, कॉकरोच है, कोई मशीन थोड़ा है। सही बोला। ए, तू कौन है? चतुर है चतुर, अब उनको आंख मत दिखा। निकल जाओ वरना आंख की तरह तेरे को भी फोड़ डालेगा। जोर लगाओ, ये टफलू जोर लगा वरना अपुन को भी फोड़ डालेगा। एक और ब्रिज, लगता है यहाँ भी रुकना पड़ेगा। रुक जाओ, लेकिन मेरे टाकटिक मत करना। धीरे धीरे रोको। हाँ रोक दी ना। वेरी गुड, अब मैं पानी छोड़ता हूँ। अब तुम जा सकते हो। ओके, समझ गया। बाय बाय और थैंक यू मेरे टाकट की नहीं की। बाय बाय, टेक केयर। इसे मेरे टाकट की कर दे, नहीं छोड़ूंगा। टाकट की, आओ, आ जाओ। आओ, इसने तो पानी का पहाड़ बना दिया। आओ, पहले पहाड़ के ऊपर, अब मैं पहाड़ के नीचे। क्या मालूम किधर है मालूम? मिल गया। हाँ चलो बिल्लो, बिल्ला मिल गया। हाँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। और मैं आराम से सोसू करना चाहता हूँ। चलो भीड़ू लोग, हल्ला बोलो और नाव की ड्राइविंग सीट पे घुस जाओ। दरवाजा बंद और काम चालू। काम नहीं, नाव चालू भीड़ू। क्या बात है, अब तो जरूर बिल्ले की और उसके नाव की बैंड बजेगी। अच्छा है। ए, मेरी नाव मुझे दे दो, उसे मत ले जाओ। ए! कौन है,
कौन नाव चला रहा है? मैं जानता था। ए कॉकरोचो, नाव रोक दो। रोकेगा नहीं, पास करेगा मामू। ए नाव आई, नाव रोक दो। ए हम तो गए। सॉरी, संभालो। पर इस नाव को संभालना किसी के बस की बात नहीं। अच्छा आओ, नाव तो लहरों पे सवार है। क्या बात है, आखिरकार कॉकरोचों ने बिल्ले के नाव की बैंड बजा ही दी। अच्छा हाय मिस्टर वाटरमैन। वाह, बिल्ले की तो बैंड बज गई, लगता है अब पूरे शहर की बैंड बजेगी। चल वीरू, अभी ब्रेक मारते हैं। वाह क्या बात है, बिल्ले की नाव शहर की बैंड बजाते हुए बिल्ले के घर। अच्छा है। ए, मैं इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, पहले खुद को संभाल ले मामू। मेरी ओली। तुमने देखा वो ब्रिज के पास वाला इंस्पेक्टर हमारे पास आ रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता। हाँ, वो आ गया। आओ मेरी टाकी टिकी की, अब मैं तुम्हारे टाकी टिकी कर दूंगा। गेट बंद। टाकी टिकी, टाकी टिकी। कितना डरावना है ये, मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जा रहा हूं। लगता है टीवी उसी भूत ने बंद कर दिया। अबे भूत ने नहीं, मैंने बंद कर दिया। लगता है वो चला गया। जल्दी निकलना चाहिए, चुपचाप से। भूख लगी है, देखते हैं फ्रिज में क्या है। मछलियां, स्वादिष्ट ताजी मछलियां। ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है ना। ओए घर आ गया। ओए, एक तो सर्दी से गला बंद है, ऊपर से ये बारिश। ओए ओए ओए, ये मैं कहाँ गिर गया। ओए ये तो कीचड़ है। ओए मैं तो कीचड़ से भीग गया। अब जल्दी से घर जाकर नहाना पड़ेगा। ओए ओगे, दरवाजा खोल। ओगे ओगे, अब कौन आ गया। मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। कौन है भाई। ओए ओगे, मैं कुछ भी हो जाए वो भूत आज अंदर नहीं आना चाहिए। ओए दरवाजा खोल। लगता है ये भूत बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानेगा। ठीक है, मैं ही भागता हूँ। बिल्ला भाग रहा है, मतलब तीर निशाने पे बीड़ू। लगता है दरवाजा नहीं खोलेगा। कोई बात नहीं, मैं बाहर ही नहा लेता हूँ, गरारा कर लूँ। ओए ये क्या है। वीडू, अब उनके पास एक और आइडिया है, अभी देख। मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। अब यहाँ कोई भूत नहीं आ पाएगा। ओए, आ गया ऊपर। अब नीचे घर में भी जाऊंगा मैं। ये बहुत छोटा है। इतना डर मत मामू, तेरे को और भी डराना है। ये क्या है।
कौन है मामू? कितना छोटा पाइप था और मेरा सर तो घूमने लगा है। हाय ओगी। लगता है आज ये भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। भागो! ओए रुक जाओ, तुम भाग क्यों रहे हो? ओए ओए मैं तो फिसल गया। ओए आज इतने चक्कर क्यों आ रहे हो? भीड़ू ये भूत बोलता भी है। जाके देखते हैं बाबा। चलो चलो। ये तो बिल्ला मामू ही है भीड़ू। बस एक बार ये कपड़ा बन जाए फिर उस भूत की तो खैर नहीं। बन गया, अब जल्दी से इसे पहन लेता हूँ, अब उस भूत की खैर नहीं। भूत अब मुझसे बच के रहना। हे बाबा, आखिरकार नहाने के लिए गरम पानी तो नसीब हुआ। मामू अब देख कॉकरोच तेरे नसीब में क्या क्या लाते हैं। ओए अच्छा लग रहा है। अच्छा तो अब लगेगा मामू। अब तेरे को असली भूत बनाते हैं मामू। कहाँ गया भूत? यहीं कहीं होगा, दिखाई तो नहीं दे रहा है। आइडिया, ये नक्शा देखकर पता चलेगा। समझ गया कहाँ गया होगा। अरे मेरे किचन की क्या हालत हो गई है? फ्रिज का सारा सामान बाहर है। इसी सामान को फॉलो करता हूँ। कहाँ गया भूत? ये ले देख ले। छोड़ दो मुझे, वरना छूटने के बाद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे लेकिन ऐसे नहीं। उड़ने वाला भूत। ओए रुक जाओगी। ओए रुक। ये क्या कीचड़? घर में कौन है? ये क्या भैया? भैया कब आए? जाकर उन्हीं से दरवाजा खोलने को कहता हूँ। दरवाजा खोलो भैया। ओए अब नहीं छोड़ूंगा। अब कौन आ गया? कहिए कौन चाहिए? मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना। ओए मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। ये भैया को क्या हो गया? भैया ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? भैया कट इट। कितना मजा आता है सुबह सुबह अपने घर में मॉर्निंग वॉक करने का। उठा ले बाबा। ओके। ये क्या हो गया? ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? कितना ऊंचा है? ओगी ओगी ब्रेक लगा, ब्रेक लगा ओगी। लग गया। मैं रुक गया, मैं बच गया। क्या ब्रेक लगाया है मैंने। एक मिनट रुक जा मामू, अभी तेरी एकदम सुर ताल के साथ बैंड बजाते हैं। ये क्या है? ओह अलमारी के बर्तन और ये कप मेरे ही मुंह में रह गए थे। मैंने चिकन रखा था पकने के लिए, शायद पक गया होगा। पक गया है। चलो अब इसे बाहर निकालता हूँ, कितना लजीज है ये। ये क्या बाहर आ रहा है इसमें से? मामू इज वेरी क्लोज, तो हल्ला बोल। वाह गे, तेरे ही तंदूरी हो गए। आसपास कोई नहीं है, यही सही मौका है। हेलो प्लीज यहाँ जल्दी से आ सकते हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। लगता है आ गया। आ जाइए। जानी आ रहा हूँ, पहले देख तो लूँ कोई है तो नहीं आसपास।
लगता है कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी, सुनिए। बोलिए। आप ही बॉडी गार्ड है ना? हाँ, ये देखिए बॉडी। हाँ, बॉडी तो ठीक है, ये देखिए आपको इन तीनों को मारना है। इन तीनों को? समझ गया। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू सर। आप मेरे पीछे रहिएगा, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। आप चलते रहिए, कोई है तो नहीं आस पास? नहीं, कोई नहीं है। तो आप डरिए मत, मैं हूँ ना। बॉडीगार्ड के आने के बाद अब मैं चैन से टीवी देख सकता हूँ। चलो कुछ खा लेते हैं। रुक जाइए, आप इसे ऐसे मत खाइए, पहले मुझे टेस्ट करने दीजिए। पता नहीं ये क्या क्या करेगा। इसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी। सब तैयारी हो गई। एवरीबॉडी रेडी फायर। पता नहीं मेरे खाने का क्या हुआ होगा। सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब ये आपके खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, खाइए। ओके, थैंक यू। वाह, खाना हो तो ऐसा। आप टीवी का मजा लीजिए सर, मैं चारों तरफ नजर रखे हुए हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। अभी तो बहुत कुछ होगा ना बाबा। सही बोला। बस भीड़ लो, अभी रोक दो। इधर है बिल्ला, इधर है बॉडीगार्ड। लगता है ये खतरा है। खतरा तो अभी होगा मामू। ये रहा गाजर सुरक्षा कवच। डरिए मत, मैं हूँ। लेकिन मैं तो गया। सर, आप मेरे साथ रहिए सर। सुनिए, अब आप यहीं पर रुकिए। ओके। अभी मैं दुश्मन के छक्के छुड़ाता हूँ। अबू तो हैंडसम है। तू हैंडसम करिया डाउन, आज तो तू जाएगा। मामू, अबू को किधर भेज दिया? आओ, किसने आकर मुझे डिस्टर्ब किया? इस गलती की सजा मिले। सजा तो मिल गई लिए मामू। पता नहीं कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। चलो रे बाबा, जरा टीवी देखते हैं, क्या मस्त प्रोग्राम होने का। ये गोलियां कौन चला रहा है? अच्छा तो ये है, ये तो जेब से बंदूक निकाल रहा है। इससे पहले कि वो हल्ला करे, मुझे कर देना चाहिए। कर दिया। ये क्या आया टीवी के नीचे? अगर बम यही फोड़ना था तो मुझे यहाँ क्यों छुपाया? आ जा मेरे बतख। टिक 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 टिक। ए मेरे सर से दूर हट जा, लगता है गया नहीं। हमला। ये क्या, सारा पानी निकल गया। ये लीजिए, पानी पहुँच लीजिए। भीगा ही कहा हूँ, जो पहुँच लो। सर जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, आप जाइए अंदर। कितनी शांति है यहाँ। बीड़ू, अपुन के दिमाग की बत्ती जले लिए। चलो आइडिया। क्या ठहक रहे हो? अपुन दरवाजे पे फोटो लगाते हैं, मस्त आइडिया है। चल अबू डिमा। इतनी देर हो गई सर, आए क्यों नहीं? ये क्या, कॉकरोच तो सर पर हमला कर रहा है, मुझे सर को बचाना ही पड़ेगा। ये रही मेरी स्पेशल सूटकेस गन, फायर। सर जी कहाँ गए? अचानक मैं टॉयलेट से बाहर कैसे आ गया? अब मैं बॉब के घर में पहुंच गया हूँ। ये क्या, बिल्ले ने तो आऊ के घर की सारी दीवारें तोड़ दी है और सीधे आऊ के साथ आऊ के टॉयलेट में बैठा है। पता नहीं अब आऊ इसका क्या करेगा। आओ, मेरा पेपर दे दो, मैं चला। बॉब ने कुछ नहीं किया, कहाँ गया वो बॉडीगार्ड? मैं यही हूँ सर। तुम्हारी वजह से मैं इस टॉयलेट के साथ बॉब के टॉयलेट में पहुँच गया। अंदर तो देखिए क्या है अंदर। यहाँ तो कॉकरोच गैंग बम के अंबार पे बैठी है। सर जी ये लीजिए, आप अपने शुभ हाथों से इन्हें उड़ाइए। ये क्या, ये कौन आ गई? डरिए मत सर, मैं देखता हूँ। ये क्या, खाया हुआ एप्पल तो देखा था, खाई हुई पृथ्वी पहली बार देख रहा हूँ। पीड़ू रुक जा, मामू को तो आने दे। तुम लोग मेरे सर जी को तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ दो ले मामू। पकड़ूंगा और पकड़ने के बाद बहुत मारूंगा। कैसा बॉडीगार्ड है, दुश्मनों के साथ साथ अपनी और मेरी भी बैंड बजा ली।
क्या करेंगे? हमारी नाव तो डूब गई। मुझे डर लग रहा है भैया। डरना बिल्कुल नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं नहीं डर रहा भैया, लेकिन फिलहाल यहाँ दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा। आह, चारों तरफ बस पानी ही पानी। ये क्या, इमरजेंसी बैग? इसमें जरूर कोई ना कोई काम की चीज होगी। ये किसी काम की नहीं, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ काम का है, पर ये काम कैसे करता है यही पता नहीं चल रहा। ए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर यहाँ खाने को क्या है? बिस्किट? जरा देखो तो इसमें कितने हैं? इसमें तो डिब्बा भर के है। लेकिन इन्हें भैया के सामने नहीं, चुपचाप खाना होगा। ओए, कौन खा रहा है? ओके, ये डिब्बा इधर ला। खबरदार, जो एक भी बिस्किट खाया तो। अरे, इसमें तो सिर्फ एक ही बिस्किट बचा है। सॉरी भैया। सॉरी के बच्चे? नहीं, गलती तो मेरी ही है। ये ले, बिस्किट के चार टुकड़े हो गए। इसमें से एक टुकड़ा तेरा, एक मेरा, और बाकी दो गए डिब्बे में। इससे मेरा क्या होगा? अभी तक कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। भैया, आपको गुदगुदी होती है ना? और क्या कर रहा है तू ये? गुदगुदी भैया, इन्हें तो कुछ नहीं होता। निकल जाओ यहाँ से। ओए, अब ये बिस्किट सिर्फ मेरा है। अरे, पूरा डिब्बा साफ कर दिया। फिकर मत कीजिए भैया, हम मछलियाँ पकड़ लेंगे। ये लीजिए फिशिंग रॉड। ठीक है, अगर बहुत सारी मछलियाँ पकड़नी है तो इस कांटे में चाहिए एक कीड़ा। और ये कीड़ा मिलेगा कहाँ? मुझे पता है कहाँ। ओके, टाइम पास क्यों कर रहा है, काम कर। यहाँ एक न एक तो मिल ही जाएगा। मिल गया। लगता है समंदर की सारी मछलियाँ खत्म हो गई। चल कीड़े, आम पे लग जा। लगता है हाथ लग गई। ओए, से मछली मिल गई? मछली नहीं भैया, मछलियाँ। ओए, पर कैसे? मेरी नाक के अंदर के कीड़े से भैया। एक कीड़े से इतनी मछलियाँ? ला तेरी नाक दे यहाँ। अब फंसेंगी ढाई ढाई किलो की बहुत सारी मछलियाँ। भैया, मेरी नाक मुझे वापस दे दो। चुप कर, वरना मछलियाँ भाग जाएंगी। अरे, मस्त नींद आ रहा है। अभी खाना खाने का। इतनी सारी मछलियाँ! अरे, इतना मछली ऐसा खुला किसने छोड़ा रे बाबा? ऐसा नहीं छोड़ने का। आ जाओ, तुम लोग को आज बिना फ्राई किए खाता हूँ। लगता है कोई कुछ खा रहा है। मछलियाँ गायब है भैया, यहाँ रखी हुई सारी मछलियाँ कहाँ गई? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है, आप ही ने खाई है। मुझे कैसे पता मैंने खाई है? तूने अपने आंखों से देखा क्या? भैया, मुझे मेरी नाक वापस दीजिए। अगर मेरी उंगलियां ज्यादा निकली तो दूंगा। जीरो, दो, पांच, चुटकी, पांच, जीरो, पांच, पांच, दो, मेरी नाक वापस दो। थैंक यू भैया। नाक तो गई, अब कहां से पकड़ू मछलियां? ओए, मुझे ये ओगी कीड़े जैसा क्यों लग रहा है? अगर इस कीड़े को कांटे में फंसाया तो 250 किलो की मछली हाथ लग सकती है। आ जाओगी, अब तू है मेरा कीड़ा। ये क्या कर रहे हो भैया? क्या मस्त मछली था रहा बाबा, असली कीड़ा तो यहाँ है भैया। सही कहा होगी। या, मेरे को पानी में अकेला काय को छड़ा रहा है, मेरे को उठा ले रहा बाबा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मैं क्या करूं? इसके अंदर क्या है? इससे कुछ करता हूँ। ओगी, बंदूक खेलने की चीज नहीं, इससे तुम घायल हो सकते हो। तो क्या करूं? कुछ और नजर भी तो नहीं आ रहा। एक नाव आ रही है भैया, वहाँ देखिए, नाव आ रही है। हाँ ओगी, सचमुच नाव आ रही है। ये देखिए बिल्लों का फोक डांस, वेरी रेयर। ये तो सचमुच 250 किलो की है। ये लोग क्या कर रहे हैं बाबा? ये पिल्लों का क्या चालू है? ये लोग बोखला तो नहीं है? आ जाओ बोट लेके। नहीं, ये तो चले गए। मेरे पास आइडिया है भैया, ये बंदूक कब काम आएगी? ये क्या, अपने यान में ये कैसी हलचल? ये किसकी वजह से हुआ?
उसको छोड़ना नहीं। फायर! मुझ पर हमला किया, मैं भी करूंगा। अरे ये तो बैक फायर हो गया। इस गोली ने तो हमें ही उड़ा दिया भैया। मस्त सर्फिंग चालू है बाबा। मुझे बड़ा डर लग रहा है, सामने देख। ये क्या? गया तेल पाने में। शहर में वो भी रात नहीं दोपहर में। खुद बच रहे हैं लेकिन बाकी सारों की बैंड बजा रहे हैं। बजाओ ताले। हो मेरा प्यारा प्यारा फूल, जी करता है ना चूम लो। ये क्या? सॉरी, गलती हमारी नहीं इस ट्यूब की है। चाहे गलती ट्यूब की ही हो, मैं ट्यूब के साथ तुम्हारे भी ठक ठक करूंगा। तो लीजिए ट्यूब की कर दीजिए। भैया जल्दी से पानी में कूद जाइए। हाँ बच गए, ट्यूब के हो गए, अब तुम्हारी ठक ठक। अब क्या करें? चलिए मार खाने से पहले बिस्किट खा लेते हैं। मार तुम लोग खाना, बिस्किट तो मैं ही खाएगा बाबा। अब क्या होगा भैया? ठक 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 ठक। मुझे रस चाहिए। यहाँ है शायद। रस नहीं, पानी ले। कितने प्यारे फूल हैं। ये पानी कहाँ से आ गया? हट जाओ, मुझे ओली दिखाई नहीं दे रही है। अरे दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ ओली दिखाई दे रही है। नहीं देता क्या? नहीं सुधरेगा। ओली कितनी प्यारी लग रही है। हाय ओगी, कैसे हो? आज शाम को घर पे आओगे? चाय पीने? इसलिए बांसुरी बजाने? नहीं नहीं, चाय पीने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गया, बैगपाइप बजाने? नहीं होगी चाय। सरसों देखे तब इस ट्रैक्टर पे घूमना? नहीं। घर की सफाई करना? नहीं। ऊंट पे उछल कूद करना? नहीं। तो फिर होगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। हाँ समझ गया, मैं चाय पीने तुम्हारे घर पर आऊँ। सही कहा ना? अब जाके समझे। ओली ने मुझे चाय पे बुलाया है। मामू बहुत खुश है। देखा क्या तुम लोग ने? तुम्हें मालूम है बिल्ला किधर जा रहा है? पता है, बाजार में जाने। उसके बाद ट्रैक्टर पे घूम, फिर घर साफ करने, उन पे उछल कूद करने को मेरे बाबा। नहीं बिड़ू, चाय पीने। दरवाजा खोलो। चाय और फूलों के साथ आया हूँ ओली। तो आ जाओ। बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अंदर चला गया। आ जाओ बिल्लो। चाय बिल्कुल गर्म है ना ओगी? चलो पीकर स्वाद भी चख लेते हैं। अच्छी है। मैं भी तो देखूं। मैं तुमसे ज्यादा तेज चाय पीऊंगा। चलो देखते हैं। मैं जीत रहा हूँ। क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, मुझे ये कुकीज खाने का मन हो रहा है। तुम यही रुको, मैं किचन से और कुकीज लेकर आता हूँ। ओके ओके। कुकीज, मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं ओली, सब कुछ ठीक है। मुझे रहते हुए नोट ठीक। ये कैसे हो रहा है? देखो मेरा चेहरा तो इस बिस्किट के पैकेट जैसा हो गया। बिल्लो इसका घर देखो। ये बंदर तो बड़ी काम की है।
देखो होगी ये बंदर की तस्वीर कैसी है, एकदम सुंदर। एक आध फोटो अपन को भी दिखाना मामू। चले गए, ये देखो ओली, ये डॉगी कितना प्यारा है। नंबर वन कॉकरोच क्या? उन गिर कैसे गया भीड़? तेरी जगह होते तो हम लोग भी गिर जाते रहे। ये तो बहुत खूबसूरत है। कैसे हो तुम लोग हैं? मेरा एक काम करोगे? बता तो सही, बस अभी अपने पास कोई काम नहीं रहे। यहाँ आओ, देखो मेरी तरफ नहीं उस ब्रिज की तरफ देखो। मुझे भूख लगी है, तो कौन ब्रिज में से खाना ला के मुझे देगा? तुझसे रेवड़ी को मैं हूँ। सुनो, इन दोनों चिरकुटों के पास मिलाकर 100 ग्राम भेजा है और अपन अकेले के पास 250 ग्राम। अपन लाएगा खाना, अब भी आया छोली। ये चपलो, अकेला हीरो मत बन रहे, अपन खाना लेके आएंगे। भीड़ सुंदर होने के पाए छोली मेरी दोस्त नहीं। ये क्या? कॉकरोच? छोड़ दे रे टप्पू। नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। चलोगी? कर दे इन कॉकरोचों पे हमला। ए, मेरी ओली के घर में खाना चुरा रहे हो? ओली के चक्कर में बहुत छोड़ लोगे। करोगे चोरी? करोगे चोरी? हे ओली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, भूख लगी थी तो खाना खाने आया था। तो यही तो ढूंढ रहा था। खा लिया और खाओ ना। ओके, ठीक तो होगी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या, 7 बज गए? मुझे जरूरी काम से घर जाना पड़ेगा। पता नहीं मैं कैसे भूल गया, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। बाय ओली। बाय। मुझे तो चोली की बहुत याद आ रही है। ये क्या, ये तू है कि वो चोली? मैं हूँ। टपलू, ये तू है कि चोली रे? वाह चोली, क्या खूब है तेरी माया। कॉकरोचों का पूरा बैंड बजा। अच्छा बारिश के दिनों में फुटबॉल देखने का मजा ही कुछ और है। मस्त लेटने का और देखने का। ये क्या, लटक केबल चला गया। ये टीवी तो बौखला गया रे बाबा। बाहर आ गया बिजली का झटका, अंदर उसने कॉकरोच को झटका। इसकी तो बैंड बज गई। ये बिल्ला तो एकदम मस्त सोयला है। बिड़ू निकल ले। खोल खोल ले अभी। चल अंदर घुस। अब घुसे के घुसे रहो। उखाड़ ले रहा बाबा, उखाड़ लिया। ये इसको दबा के पिचका दिया। ये जो टीवी पे फुटबॉल नहीं आया वो टीवी किस काम का? अब आई सोफे की बारी। थोड़ा भारी है लेकिन कोई बात। अब देखो बबलू का आलू। अब बोलो मैं तुम्हारी क्या खबर लूं? अरे खबर तो मैं तेरी लूंगा रे बाबा। कौन सी खबर? लगता है तेरी खबर लेने का टाइम आ गया। ऐसी खबर लूंगा कि तू खुद ही एक खबर बन जाएगा। ये खबरदार बिल्ले। खबर नहीं, मैं तो बतख बन गया। बहुत अच्छे पपलू, पर इतनी ताकत आई कैसे? पपलू का आलू। आलू ले लो। मुझे उठा के फेंका, अब मैं इनको कुचल दूंगा। कुचल दूंगा मैं। हाँ, कुचलने का बात नहीं करने का बाबा, उछलने का बात करना।
बिल्ले को क्या पड़ी है भीड़ू? लेकिन मेरे को तो खाने की पड़ी है बाबा। अभी ये फ्रिज है, इसका दरवाजा तोड़ दिया, अब बार बार खोलने का टेंशन नहीं रहे। क्या बात है? पपलू का आलू। रुक जा, खाना तो ठीक से खा लू। अब इस वैक्यूम क्लीनर से उस कॉकरोच को क्लीन कर दूंगा। ये माया जितनी आसानी से क्लीन नहीं होएगा ना बाबा। ले अब अपना मुंह क्लीन कर। मेरे को क्लीन करेगा, मैं ही क्लीन बोल्ड हो गया। चला था मेरे को क्लीन करने, अब दिखाता हूँ। ये कुर्सी को उठाया, घुमाया, उसका पिंजरा बनाया, बिल्ले को उठाया और उसमें घुसाया। पपलू का आलू, अभी मेरे को नींद आया, मेरे को सोने कर। ये लोग कैसे सो गए? मेरे को छोड़ के तुम लोग कैसे सो सकते रे? ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर दिया, अब मस्त नींद आएगी। बीड़ू, इसने मेरा दिमाग को हिला डाला, मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, पहले ही बोलता हूँ। तो मेरे को फोड़ने का बात किया? नहीं रे बीड़ू, अंधेरी रात में बिल्ले के सुनसान घर में एक कॉकरोच निकलता है जो किसी को चैन से खाने भी नहीं देता। Stop it! Get out! ये पपलू रावड़ी कैसे बन गया? ये इतना सारा खाना रे बाबा। अरे पूरा फ्रिज तो साफ कर दिया, मुंह कौन साफ करे? जा जा के कचरा साफ कर। इसका कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। सही बोलो माँ। निकल जाओ रे बाबा, इसको तो देख लेंगे। मस्त बीड़ू, या पपलू की तो बैंड बजानी पड़ेगी, पर कैसे? आइडिया। कैसा लगा प्लान? पपलू को शॉक देने से पपलू वापस पपलू हो जाएगा। है कि नहीं बीड़ू? सही बोला। पपलू को वापस पपलू बनाने के लिए झपलू और टपलू का जाल बिछ चुका है। अच्छा, आ गया बीड़ू। डिनर टाइम, देखते हैं फ्रिज में मेरे लिए खाने के लिए क्या बचा। चल खुल जाके। फिर आ गया बिजली का झटका, पाइप से फटका, लेकिन पप्पू को लगा जोर का झटका। आलू का है मेरे। क्या पटका है यार, तूफान की रात कॉकरोचों के साथ। ये झटका भी हिला दिया मामू। मारो फुटबॉल को और लात मारो। फुटबॉल तो अब हम तुम्हारा बनाएंगे। अब आप उनके पास भी है आलू। अब मेरे भी हाथ में आ गया आलू। बिल्ले को भी लगा था झटका, इसीलिए बिल्ले का दिमाग भी झटका। बिल्ले ने घर को झटका और कॉकरोचों को दूर ले जाकर पटका। अच्छा है। अब मेरा घर सिर्फ मेरा है। वाह, होगी सिंह हाथ में आलू वाली है। आज मेरा पेंटिंग करने का मूड है। देखो मैंने साथ में कलर्स भी लाए हैं और आज मैं ये पेड़ बनाऊंगा। लेकिन कोई भी चीज पेंट करने से पहले उसे हर एंगल से ठीक से देख लेना चाहिए। देख लिया, चलोगे शुरू कर पेंटिंग? लगता है कुछ गड़बड़ है, एक बार फिर से ठीक से देखता हूँ। थोड़ा अजीब सा पेड़ है,
हाँ, स्केल से नापना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। अब देखो ऑगी का कमाल। हो गया। ये क्या? थोड़ी सी घास फूस, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर दिखाऊंगा। आज मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि लोग मुझे ऑगी द विंची कहने लगेंगे। हाँ, बन गई मेरी पेंटिंग। वाह, I am the best। तेरी पेंटिंग की बैंड बजाएगी कॉकरोच गैंग। चल रे बिल्ले, पेंटिंग दे दर बाबा। ए, पेंटिंग उठा ले रे। उठाया भी और भाग भी गया। ए, मेरी पेंटिंग, रुक जाओ, मुझे मेरी पेंटिंग दे दो। देने का रहता था, लेते क्यों मामू? कॉकरोच गैंग जिंदाबाद। कहाँ गए? अजय, ले ले। ले लूंगा। कैसे लग रहा पेंटिंग? हमारे पास है। चलो बिल्लू लोग फैल जाओ। ए, मैं सबको पकड़ूंगा। तो आ जाओ मामू। ए, चुप जाओ बिल्लू लोग। ए, कहाँ गए ये लोग? ये है। ए, 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 कैसी बड़ी बिल्ले। अब मैं सांप की तरह जाके इन्हें डस लूंगा। कॉकरोच गैंग, पेंटिंग की बजाय मैं नहीं छोड़ूंगा। पकड़ ले बबलू पकड़। मेरी पेंटिंग के साथ ऐसा मत करो, बहुत मेहनत से मैंने ये पेंटिंग बनाई है। कॉकरोच गैंग चिंता मत रहे, रुक जाओ। ए, भागते रहो, मैं उड़ के आ रहा हूँ। पेंटिंग भी गई और मुंह भी। आजा मामू, ले ले पेंटिंग। दे दो, लेकिन पहले नीचे देख। क्या है नीचे? चिल्ला मत मामू, अपुन भी गिरा है। तू गिर जा, पेंटिंग मुझे दे दे। नहीं मामू, पेंटिंग अपुन को दे। नहीं, मुझे दो, पेंटिंग सिर्फ मेरी है। पेंटिंग उठा लिया रहा। चलो अब इसके बैंड बजा। बहुत हंसी है, अब ये लो। बौखला गया रहा। इन कॉकरोचों ने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। सॉरी मेरी प्यारी पेंटिंग, तुम्हें कचरे के डिब्बे में जाना ही होगा। सॉरी अगेन। ये मैंने क्या देख लिया, ये तो एकदम अनुपम पेंटिंग है। ये मुझे दे दे और ये पैसे ले ले। इतने सारे पैसे, वो भी असली वाले। हाँ, अनुपम पेंटिंग के लिए ये अंकल बहुत दिलदार है। बाय बाय। मेरी एक पेंटिंग के इतने सारे पैसे, तो सोचो अगर मैं और पेंटिंग्स बनाऊं, तब तो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। लोग मेरे हर पेंटिंग के दीवाने बन जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलोगी? काम पे लग जा, बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं अमीर बनूंगा। ये क्या लगता है, मामू की हट गई। सही बोला, जल्दी चलने को वापस मारेगा। वाह, एक से बढ़कर एक उम्दा पेंटिंग्स। आई वॉन्ट टू से समथिंग अंकल, मेरे पास बहुत सारी अनुपम पेंटिंग्स है। इस अंकल के पास भी बहुत सारा पैसा है। ये अंकल आ रहा है। आइए अंकल, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप इन अनुपम पेंटिंग्स को देख के जरूर खुश होंगे। बहुत मेहनत की है मैंने इन पेंटिंग्स को बनाने में। कैसी लगी आपको? एक भी अच्छी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। ऐसा अन्याय मत कीजिए। अंकल जी, कम से कम एक पेंटिंग तो ले जाइए। मेरे पास फालतू चीजों के लिए पैसा नहीं है। हट जाओ, मुझे एक मौका और दीजिए। जब भी अच्छी पेंटिंग बनाओ, मुझे याद करो। बाय। कैसी बड़ी बिल्ले। इन कॉकरोचों ने मेरी पेंटिंग की बैंड बजाकर उसको अनुपम पेंटिंग बना दिया। अब तुम ही मेरी पेंटिंग्स को बिकवाओगे? कुछ भी बोलता है? चुप कर, निकल, रुक जाओ वरना। अब ये हमारा क्या करेगा, पता चल जाएगा। क्या बात है, ऑगी ने ऐसा चक्कर चलाया कि कॉकरोचों को चक्कर आ गया। पुलिस का बदला नहीं करेगा बिल्ले। अल्लाह बहुत। बहुत क्या बात है। सुनिए अंकल, मेरे पास बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। मैंने देखी है तुम्हारी पेंटिंग। वो वाली नहीं, अनुपम वाली। तो मैं अभी आया। मैं आ गया। तो जल्दी से अंदर आइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। अंकल जी, आप देखिए। वाह, क्या बात है, अंकल खुश हुआ। मैं तो हैरान हूँ, तुम तो महान हो बेटा। ऑगी द विंची हो, ऑगी द विंची। ये लो इन पेंटिंग्स की कीमत,
इतना सारा सोना, तू भी सो और हमें भी सोने देना। ऐसा नहीं मानेगा, समझाना पड़ेगा। बिलू, वो पेंटिंग तो अपुन ने बनाया। चीटर। अंकल, आई वॉन्ट टू से समथिंग। अब तुम क्या कहना चाहते हो? ये अनुपम पेंटिंग अपुन ने बनाया है। ये देखो, ऐसे अपुन की स्पेशलिटी है। ये बिल्ला एक नंबर का चीटर है। अभी देखो मैं तुम्हारा क्या बनाता हूँ। नहीं, इन्हें हाथ मत लगाओ प्यारे कॉकरोचो, ये सोना सिर्फ तुम्हारा है। नहीं, ये मेरा है। इस सोने के असली हकदार ये कॉकरोच है। सोना उनको दे दे। ये ले, बच गया। लेकिन तू नहीं बचेगा। मुझे मारा, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो भाई, तुम लोग लड़ो, मैं घर जा रहा हूँ। जितनी जल्दी यहाँ से निकलो मेरी सेहत के लिए अच्छा। रुक जाए अंकल जी, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। अब मैं कभी भी अमीर और मशहूर नहीं बन पाऊंगा। कितना मजा आया ना भिड़ू लोग, बिल्ले का पैसा भी गया और पेंटिंग भी। नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे आएगा मजा जब कॉकरोचों को मिली है सजा। इस बिल्ले ने तो अपुन को इस पेंटिंग बनाना ना। फिर कॉकरोच गैंग जिंदाबाद।